सो दोस्तों, हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में। आज है गंगा दशहरा, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी माँ गंगा के दर्शन करें एंड आपको भी करवाएं। सो दोस्तों, ये है प्राचीन वराह मंदिर जो काफी टाइम से यहाँ पे है एंड हम लोग भी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। और वो बैठे हैं हमारे महादेव वहाँ पे। सो दोस्तों, ये आपको छोटी सी जो है मार्केट त्रिवेणी घाट के पास में दिख जाएगी। ये सामने आपका जो पार्किंग का ले कट करता है एंड जो शिव जी जहाँ पे हैं वहाँ से आपका मेन त्रिवेणी घाट का गेट है। सो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको यहाँ पे आपको फूलों की और प्रसाद की शॉप्स मिल जाएगी, यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। इसके बगल में ही आपको यहाँ पे टॉयज़ की शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ से अपने बच्चों के लिए आप कुछ खिलौने ले सकते हैं। एंड वो है सामने पुलिस थाना। सो यही जो है त्रिवेणी घाट की लोकल मार्केट है। सो चलिए अब आगे चलते हैं एंड आपको माँ गंगा के दर्शन करवाते हैं, पूरा घाट दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत घाट बनाया हुआ है। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये गेट है एंड यहीं से हमारी जो है एंट्री होती है, जो कि ये गेट जो पहले यहाँ पे नहीं था, कुछ साल पहले यहाँ पे बना है, जो कि काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में अच्छा लगेगा। सो जैसे ही आप गेट पार करेंगे उसके सामने आपको एक घाट दिखेगा एंड इसके राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा लिखा हुआ योग नगरी ऋषिकेश। सो यहाँ पे है आपकी पार्किंग, यहाँ पे अपनी आप टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जो है पार्क कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ओवरऑल जो है आपको घाट देखने को मिलेगा। आज काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, सो यहाँ पे भीड़ आज काफ़ी देखने को मिलेगी। इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे फूल की शॉप मिल जाएगी। अगर आप गंगा जल भरना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कैन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ चल रहा है इवेंट, अभी आपको वो भी दिखाते हैं एक्चुअल वॉइस में वो कैसा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आज जो है गंगा दशहरा है, तो इसलिए आज आपको यहाँ पे कई जगह पे भगवान की झांकियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कि आप भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, उनसे कुछ मंगल मांग सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे मेन जो है यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेन एरिया है जहाँ पे जो है आज जो है महाआरती का आयोजन हुआ हुआ है। आरती की जो आज टाइमिंग है वो शाम के 7:10 की रखी गई। सो इस तरह से आप देख सकते हैं आगे आपको माँ गंगा की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि आरती का जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्या होता है। आगे चल के आपको दिखेगा कृष्ण भगवान और अर्जुन जी का महारथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो यहाँ पे जगराता होने की तैयारियाँ चल रही है। आज जो यहाँ पे जागरण है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करा है। सेटअप आप देख सकते हैं। और ये जो है मेन एरिया है जहाँ पे आरती होनी है आज शाम के टाइम। आगे बढ़ते आपको दिखेगा जय गंगा माँ इस तरीके से लिखा हुआ, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। आज का जो जागरण है आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना खूबसूरत इन लोगों ने जो है पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। जहाँ तक मुझे पता लगा है कि आज जो जागरण है वो खाटू श्याम जी का यहाँ पे होने वाला है। ये आप पूरा सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए माँ गंगा और इसमें स्नान करते हैं यहाँ के श्रद्धालु। आज जो है यहाँ पे गंगा दशहरा में काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। त्रिवेणी घाट आए और अगर आपने यहाँ पे शिव जी और पार्वती माता के दर्शन नहीं करे तो भाई साहब कुछ नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। वैसे बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश में भी आज जो है 44 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। इतनी गर्मी यहाँ पर हो रखी है फिर भी आपको यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आज गंगा दशहरा वाले दिन तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ कोई भी ऐसा आदमी होगा यहाँ पे जो आज गंगा जी आके इसमें स्नान ना किया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम भी कोई जगह देखते हैं जहाँ पे हम भी थोड़ा स्नान कर सकें और माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकें।
सो अब हमने भी स्नान कर लिया और अब यहाँ से हम भी वापस घर की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बाय, जय माँ गंगे, जय गंगे मैया, ओम नमः शिवाय।